वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी, आप जी के चरणों में सुनेमर बेनती। 15 मार्च दिन शुक्रवार शाम को 5 बजे तो रात 11 बजे तक एक विशेष चुपहरा जप तप समागम गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना विखे रखा गया। और सारिया संगतों के चरणों में मैं सुनेमर बेनती करा अपने रुझेवियां छड के वहीरां कत्त के वध तो वध गिणती दे विच आप जी ने चुपहरा जप तप समागम दे विच पहुँच के बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां प्राप्त करनियां। और सारिया संगतां नूं पता है जदों तुसीं प्यार दे विच आ के चुपहरा कट्टदे हो, चुपहरे विच 5 पाठ जपजी साहिब करदे हो, 2 चौपाई साहिब दे पाठ करदे हो, सुखमनी साहिब जी दे पाठ करदे हो, जदों तुसीं प्यार नाल चुपहरा कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे इक इक दे घर विच पहुँच के तुहाडे दुखां नूं कट्टदे ने, तुहाडियां तकलीफां नूं कटदे ने। मैं तुहानूं हजारां प्रेमी विखा सकदा जिहड़े ये तुहानूं कहणगे असी जदों दे चुपहरे कट्टणे शुरू कीते बाबा दीप सिंह जी ने साडे घर दे विच्चों बीमारियां दे डेरे दूर कर दिते, साडे घर विच बरकतां दीयां मुठ्ठां खुल गईयां, साडे घर दे जिहड़े मैंबर शराब पींदे सी ओह शराब छड्ड गए, माड़ियां चीज़ां दा त्याग कर गए, घर दे विच सुख शांति आउणी शुरू हो गई। ज्यों ज्यों असी चुपहरे कट्ट रहे हां त्यों त्यों बाबा दीप सिंह जी सानू अपनी नेड़ता दे रहे ते साडे दुख कट रहे ने। भागां वालेओ, इह चुपहरा जप तप समागम मेरे बड़े प्यारे भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाने वाले उन्हां वल्लों उलीकिया गया। और मेरी दोवें हथ जोड़ के बेनती, जिहड़े परिवारक मैंबर तुसीं रोज़ कीर्तन सुणदे हो, 20-20 50-50 नूं नाल लैके आयो। और अपने दसवंध विच्चों भावें तुहानूं गड्डियां करनियां पै जाण, कारां करनियां पै जाण, ट्रक करने पै जाण, बसां करनियां पै जाण, जिवें भी करना पै जाए, पर किसी ने भी गैर हाजरी नहीं करनी। 50-50 नूं नाल लैके शाम को 4 बजे तक लास्ट पहुँच दिओ, लंगर प्रसाद छक के 5 बजे फिर आपां चौंकड़े मार के गुरु की गोद विच बह जाना। और पूरा चुपहरा गुरु पिता जी की खुशी लैण वास्ते, शहीद सिंघां की खुशी लैण वास्ते असीं कट्टणा। और गरंटी दे रहे हैं, लिख के देण नूं तैयार हाँ, जिहड़ी जिहड़ी भी शरदा ते भावना दे नाल तुसीं चुपहरे दे विच अरदास करोगे ना, बाबा दीप सिंह जी तुहाडी हर अरदास नूं कबूल करनगे। जिथे जिथे भी तुसीं सुणदे हो, लुधियाणे की संगत, लुधियाणे के परिवारक मैंबरां ने तो पहुँचना ही पहुँचना है, लुधियाणे के नेड़े तेड़े जिन्ने भी इलाके ने सब नूं मैं बेनती करदा, सारिआं नूं मैं बेनती करदा कि उद्यम दे नाल, उत्साह दे नाल इस समागम विच पहुँच के बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। और यह सारा समागम जिथे वख वख चैनलों के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा, साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते भी यह सारा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा। भुल्यो ना, 15 मार्च दिन शुक्रवार शामी 5 तो रात 11 बजे तक गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाणा विखे ये चुपहरा जप तप समागम हो रहा। आओ बापू दीप सिंह जी दीयां खुशियां लईए, अपने बंधनां नूं कटवाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। USA दीयां खास करके कैलीफोर्निया दीयां संगतां दे चरणां विच सुनेमर बेनती। 16 मार्च तो 24 मार्च तक दास तुहाडे इलाकियां दे विच कीर्तन की सेवा वास्ते पहुँच रहा। प्रोग्रामां दी डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते, तुहाडे मोबाइलां दी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां विच बेनती, जो तुसीं रोज़ जुड़दे हो, जो रोज़ तुसीं वेखदे हो समागम आनंद लैंदे हो, सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे विच बेनती है, वहीरां कत्त के परिवारां समेत इन्हां समागमां दे विच पहुँच के गुरु घर दीआं रौनकां नूं वधाओ और पिता जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। और गरंटी दे रहे हैं, जदों तुसीं भावना दे नाल, शरदा दे नाल सारे समागमां दे विच पहुँचोगे, एक भी समागम विच गैर हाजरी नहीं करोगे, पूरियां खुशियां बापू जी दीआं लओगे, जिहड़ी जिहड़ी भी फिर तुसीं 24 तरीक नूं लास्ट दिन ते अरदास करनी है, बाबा दीप सिंह जी ने एक एक दी अरदास नूं कबूल कर लेना है। भुल्यो ना, 16 मार्च तो 24 मार्च तक कैलीफोर्निया और LA दीयां सारियां संगतां, होर भी जिथे जिथे तुसीं भावना दे नाल सुणदे हो, जिहड़े पहुँच सकदे हो पहुँच जाओ। मेरी बेनती, सारिया संगतां ने रल मिल के अपन गुरु पिता दीयां वडियाईयां करनियां, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नल सारे अखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी का
बाबा दीप सिंह साहिब जी का संगत रूपी परिवार दूरों नेड़ों चल के मां कौलां जी के स्थान ते पहुंच रहा। जिन्हें भी परिवारक मैंबर इत्थे आए हो जां जिन्हें भी परिवारक मैंबर साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही देशां विदेशां प्रदेशां च नगरां पिंडां शहरां च जुड़ रहे सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे उत्ते सब तो पहला सिर झुका के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया होया मत्था करो प्रवान आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लखो ने जी धन बाबा। यूट्यूब का लिंक जेडे घर च बैठे वेख रहे तुहाडे तक पहुंच चुके हैं। अगे तो अगे अगे तो अगे लिंक शेयर करो और जिन्होंने अजे तक साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके कर लो। हर वार की तरह जो बेनती करते हैं दो तीन बेनती करके अपना शब्द पढ़ना है। अज तकरीबन 18-19 दिनों के बाद जो वापस आके तुहाडे मैं दीदार कर रहे हैं सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है अमरीका की धरती ते खास करके न्यूयॉर्क उत्थे सारे 18 दिनों के समागम रखे सी और गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी ने एडा तरस वरताया कि इदा महसूस हो रहा सी जिवें एक एक समागम की प्लैनिंग आप बाबा दीप सिंह जी ने की है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। सोच तो परे ठंड भी बहुत ज्यादा सी। जिनी ठंड दिसंबर च इत्थे पई है ना इस तो 10 गुणा ज्यादा ठंड -8 डिग्री टेंपरेचर उत्थे फिर लिखिया हुंदा फील लाइक -20 स्नो भी पै रही पर संगतां दा प्यार इन्ना गुरुद्वारे वाले भी हैरान सी प्रबंधक भी हैरान कहिंदे ए दिनां च दो प्रेमी आ जाण ना दो प्रेमी ते असीं कहिंदे बड़ी बहादुरी है पर किसे ने ठंड की परवाह नहीं की किसे ने स्नोफॉल की परवाह नहीं की। संगतां प्यार दे विच दूरों दूरों न्यूयॉर्क दीयां संगतां ते आईयां दूर दूर दीयां स्टेटां दीयां संगतां भी कोई मैरीलैंड तो आ रहा है कोई महाराज जी की कृपा नाल न्यू जर्सी तो आ रहा है कोई फ्लोरिडा तो आ रहा है कोई कितों कनेडा तो भी संगतां आईयां प्यार विच कीर्तन की हाजरी भरन मिशीगन ने 11 घंटे की ड्राइव उत्थों संगतां आईयां महाराज जी की मेहर नाल कितों संगतां प्यार च पहुंचियां ते हर कोई इहो ही कहिंदा सी असीं तुहाडे परिवारक मैंबर आ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते मैनूं इन्नी ठंड पैंदी सी मैं कहा गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी ए आउण दे नाल परिवार दे विच होर वाधा हो गया वाधा ते बड़ी बख्शिश गुरु जी ने वरताई नाल नाल मैं बेनती करांगा ते अज जो बापू जी ने तरस किया बख्शिश की अपनी नगरी दे विच लियांदा उदा संगतां दा प्यार बहुत सी पर 18-19 दिन मैनूं लगन लग पए जिवें 18 साल हो गए बाहर गया इत्थे होर हिसाब उधर दा होर हिसाब संगतां दा प्यार बहुत सी पर ओह दिल ही ना लगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। मैनूं इदां लग रहा जिवें मैं 18 सालां बाद वापस आया अजीब जिहा लगन दिया माहौल थोड़ा ते तो गुरु कृपा करे बख्शिश करे रहमत करे नाल नाल मैं बेनतियां करांगा। पहले आओ जड़ियां 3-4 जरूरी बेनतियां आपां रोज करदे करके शब्द पढ़ांगे। पहली बेनती हुण ध्यान नाल सुणियो। परमेश्वर हर इंसान दे नाल बहुत प्यार करदा है हर इंसान दे नाल जिन्ना मेरे नाल करदा उन्ना इहदे नाल करदा उन्ना ही इहदे नाल करदा उन्ना ही तुहाडे नाल करदा। मैं पटा नहीं लिखवाया कि गुरु रामदास कल्ले मेरे ने बाबा दीप सिंह कल्ले मेरे ने सब दे ने परमेश्वर हर इंसान नाल बहुत प्यार करता है ते प्यारे ओ ओदी आत्मा नू जगाउण लई बंदे दी आत्मा नू जागृत करन दे लई आत्मा दे उत्ते वार वार दस्तक भी देंदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। आत्मा नू खड़काउंदा है जिवें असीं किसे दे बूहे ते दस्तक देने आ ना बूहा खड़काउंदे आ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਦਸਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਦਸਤਕ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਸਤਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੀ ਗਲਤ, ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੜਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀਤੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾ ਲਓ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਆਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਓ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ। ਨਾ ਆਉਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ,
सानू ते एक ही चाहिदा है, एक कौन है गुरु रामदास, सानू ते एक ही चाहिदा, ओ कौन है? धन बाबा दीप सिंह जी, राखो धन बाबा दीप सिंह। एवें दोगलियां जिया गल्लां ना करिया करो, कई स्टेजां ते बैठ के भी करदे ने, ਏਦਾਂ ਨੀ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਣੀ, ਗੁਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਣ ਸੋਚੋ, ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਲੱਪਾ ਲੱਪ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1117 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਬੋਲੋ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਸਤਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾ
ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲੀਆ निर्गुण राख लिया संतन का सदका।
रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल खुन जी धन बाबा दीप सिंह जी उस्त कहिर ना जाए तुम्हारी कौन कहे तो कद का उस्त कहिर ना जाए नंगे नहीं होण दिते धरो ध्यान ओदा ते बोलो सतगुरे टाक लिया करण दी कोशिश कीती बाबा दीप सिंह उन्ने तो मेरे औगणा ते पर्दे पाई गए धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी लोग कहंदे एदी इज्जत मैं रहण नहीं देनी थां थां ते बदनामी करवानी है पर बाबा दीप सिंह जदों दा मैं तेरा लड़ फड़ लिया जदों दा मैं तेरा अंचल फड़ लिया तू अपने अंचल दे विच मेरे औगणा नूं ढक लिया लोग कहते पढ़ते नंगे करने बाबा दीप सिंह कहते सारी दुनिया लग जाओ पढ़ते नंगे करण ते ढकण वाला मैं बैठा हुआ ढकण वाला मैं नाल चिंता ना ला मेरे बच्चे बस तू एक काम ना छड़ी महाराज केड़ा काम ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਈ ਜਾਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪਰਦੇ ਟੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ
एडा वड्डा है। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार ना लख ना जी धन बाबा दीप सिंह साडा एडा वड्डा बापू साडे परदे ढक्कण वाला नाल बैठा टेंशन का दी जेड़ा बैठा है ना नाल ओदे चरणा दा धरो ध्यान ते कवो सतगुर टाक लिया सतगुर टाक लिया सारे सतगुर टाक लिया बोलो सतगुर टाक लिया वासे दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख तजावना बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी दर्शन भेटत होत पुनीता पुन रब गर्व न पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई संत बिना मैं थाओ ना कोई आओ न कोई जी बाबा दीप सिंह बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी संत बिना मैं था न कोई अवर न सूझे निर्गुण को कोई ना रखे संता संग समावना मोहे निर्गुण को तेरे तो बिना किसे नहीं रखे हमें ते ना ही कोई रखण वाला जमे है आखो तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी मोहे निर्गुण को कोई ना रखे संग समावना निर्गुण रख लिया संतन का सदका बोलो निर्गुण रख लिया संतन का सदका सतगुर सतगुर टाक लिया सतगुर टाक लिया सतगुर टाक लिया
बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सारे वाहे गुरु वाहे गुरु जिस महापुरख ने जिस कमाई वाले ने मेरे गुण अवगुणा की परवाह ही नहीं की थी। उन्हें पता लग गया मैं इन्ना पाप कर दूं, इन्ना पाप उन्हें पता है मैं इन्ने अवगुण कर दूं, पर उस महापुरख ने मेरे अवगुण थां थां ते नंगे नहीं किते। ज्यों ज्यों मेरे अवगुणा का उन्हें पता लगा, उन्हें मां बाप बन के मेरे परदे टकने शुरू करते। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, ओ महापुरख का नाम ले लो, आखो धन बाबा दीप सिंह। ज्यों ज्यों उन्हें मेरे औगणा का मेरिया बुराइया का पता लग्या, उन्हें मेरे त्यों त्यों परदे टकने शुरू करते। ये तो मेरा बच्चा सारे पास्यों घिर गया, इनू अंदरों भी मारा पै रही है, इनू बाहरों भी पै रही है। मेरा बच्चा रुल ना जावे ते बाबा कहिंदा मैं ते इहदा साथ छड्डना ही कोई नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह। इहो जिहा महापुरख, इहो जिहा महापुरख जिन्हों पता है मैं की करदा, पर फिर मेरे पर्दे टकी जांदा है, टकी जांदा है। ओ महापुरख का शुकराना करो, आखो धन बाबा दीप सिंह जी, तुहाडा शुक्र है, शुक्र है। देखो कोई एक महापुरख जीवन में मिल जाए, कोई भी वो पर्दे टक लैंदा है। इहो जे पर्दे टकदा दुनिया कहिंदी पर्दे चक देने, बाबा कहिंदा ला लो जोर जिन्ना ला सकते हो। गणका पापन सब नूं पता है जी, गनका पापन होए कै पापा दा गल हार परोता,
इन्ने पाप कीते गणका ने पापा दी हद ही टपाती हद हद टपाती पर होया कि महापुरख अचानक गणका वाड़े आए खलोता महापुरख आ गए अचानक खड़काया गणका दा बेसवासी नित नवे आदमी दे नाल इन्ने माड़े कर्म करने महापुरखा ने खड़काया बुआ ते जदों बुआ खड़काया ना इन्ने बुआ खोलिया ते महापुरखा दे मुखों बचन निकलिया बेटी तेरे घर रात बिताउना चाहुंदे आ एकदम अंदर चरनाट जी उठी माड़े नावां नाल बुलाउण वाले ते मैनूं बड़े आए अज बेटी अज धीए कहण वाला कौण आ गया महापुरख जदों अंदर आए सारी गल महापुरखा नूं दसती सच बोलिया सच कि महापुरखो इदा मैं माड़े कर्म करन वाली पापा तो हुण डर लगदा है की करां ते महापुरखा नूं इहदी माड़ी मत ते ही दयालता आ गई असी रीझदे आ किसे दे गुणा ते ओह महापुरख औगणा ते भी रीझ जांदे जे तरस कर लैंदे तरस इह ते कबूल करदा है इह ते औगणा नूं कबूल करदा है महापुरखा नूं तरस आ गया दुरमत देख दयाल होए हथों उसनों दितुस तोता माड़ी मत वेख के दयालता दे घर च आ गए कहिंदे पोते तोता लै इनू राम राम जपाया कर कला तोता नहीं दिता अपनी बख्शिश विचों अपनी कमाई विचों कणका कमाई दा भी देता कमाई दा कणका भी झोली पाता परमेश्वर साईं तोता ते एक बहाना है कृपा ते तू वरतौनी है ते ओही गणका जिन्हों नरकां विच भी थां नहीं सी मिलनी भाई गुरदास जी कहिंदे गई बैकुंठ बेबान चढ़ नरके उस ना खादुस गोता कमाल दी गल एक महापुरख इहो जिहा आ गया इहो जिहा महापुरख जिन्ने सारे अवगुणा ते पर्दा पाता हां जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास अजामल दी लाइफ च भी इहो जिहा महापुरख आ गया अजामल पापी जग जाने गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे निमख माए निस्तारा विसवा दे कोठे ते रहण लग पिया सी छे पुत्तां ने ओदी कुख चों जन्म लै लिया छे पुत्तां ने सतवां जम्मण वाला है उपर छत दे उत्ते बैठा है गली विच निगाह वे कहिंदे इह ते लगदा ओही महापुरख मेरे गुरु महापुरख जा रहे जिन्हां ने बचपन विच मैनूं जोड़िया सी उतरिया थले पैर फड़ ले महापुरखो जीवन विच मैं इन्ने पाप कर ले ने हुण इन्ना डर लगदा इन्ने सताउंदे ने पाप दसो करां की छे पुत्रां ने जन्म लिया हुण सतवां बच्चा होण वाला की करां ते महापुरखां नूं तरस आ गया तरस कहिंदे जिहड़ा जमणा है ना उहदा नाम नारायण रखी नारायण जदों सतवें पुत ने जन्म लिया महापुरखां दे बचना अनुसार उहदा नाम नारायण रखिया इन्ना प्यार पै गया ज्यों ज्यों नारायण वड्डा हुंदा त्यों त्यों मूंह पई जांदा है वाजां मारदा नारायण हो रिहा नारायण हो रिहा नारायण इधर आ नारायण इधर आ वाज ते पुत नूं मारदा है पर नाम परमेश्वर दा लैंदा है ओही अजामल जिन्हों नरकां च थां नहीं मिलनी गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे अजामल पापी जग जाने जग जाणदा उहनूं पर निमख माए निस्तारा निमख विच उहदा निस्तारा हो गया सदके कमाई वाले आंदे आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार ना लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह सदके कमाई वाले आंदे कमाई वाले ने औगणा ते पर्दा पाता अज गुरु ग्रंथ साहिब नु नमस्कारम करदे आ विच भाई सत्ता जी भाई बलवंड जी बैठे ने किसे ने मुंह नहीं सी लाउणा किसे ने बाह नहीं सी फड़नी उहनां दी जदों गुरु नानक दे घर दी निंदिया कीती गुरु रामदास दी निंदिया कीती शरीर कोड़ी हो गया सब नूं पता है कोई मूंह नहीं लाउंदा ते दसो विचोला कौण बन गया एक महापुरख भाई लद्दा जी परोपकारी हां जी अपने फायदे लई ते असीं बड़ा कुछ करदे हां पर दूजियां लई मूंह काला कराउणा इह ते महापुरखां दे हिस्से च आया है अपना मुंह आपे काला कर लिया
जुतियां दा गलचे हार पाया खोते ते बै सारे नगर दा चक्कर लाया गुरु अर्जन दे पातशाह कोल पेश हो गए इन्हां नूं लैके महाराज कहिंदे लद्दा जी की हाल बनाया जे महाराज तुसीं कहा सी जिहड़ा इन्हां दी सिफारिश लिया है उहदा ये हाल करना है मैं अपना यह हाल पहले ही करके आया कृपा करो इन्हां नूं बख्श दिओ महाराज इन्हां नूं बख्श दिओ गुरु अर्जन दे पातशाह जी दी रसना तो बचन निकलिया सी भाई लद्दा जी ओ महापुरखो पर उपकारी संत जी ए बख्शन योग नहीं सी इन्हां ने गुरु रामदास नूं बुरा भला किया पर सिफारिश तुसी लेके आए हो जाओ तुहाडा सदका बख्शिया अजे भी हथ जोड़ के खलोते ने महापुरख देखो कमाई वाले हथ जोड़ के खलोते महाराज कहिंदे खुण की चाहुंदे हो महाराज जिथे बख्शिया उत्थे कोड़ भी तां दूर कर दिओ ना उत्थे कोड़ भी तां दूर करो ते गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे मुखों वचन निकलिया जिस रसना नाल गुरु रामदास दी निंदा कीती उसे रसना नाल गुरु नूं धन कहण कोड़ दूर हुंदा जाएगा ते ज्यों ज्यों धन कहणगे कल्ला तन दा कोड़ दूर नहीं होएगा मन दा कोड़ भी हट जाएगा कहो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी प्यार ना लखो धन बाबा दीप सिर गुरु रामदास नूं धन किया धन किया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई आप सिरजन हार है ज्यों ज्यों वडियाईयां करदे गुरु रामदास दियां त्यों त्यों शरीर दा कोड़ दूर हुंदा जा रहा है महापुरख ने पर्दा पाता ना सिफारिश करती सच्ची गल साडी जिंदगी च भी एक बड़ा वड्डा महापुरख है वो महापुरख का नाम धन बाबा दीप सिंह जी एडा प्यारा वो साधु है एडा प्यारा वो बाबा है एडा प्यारा वो महापुरख है एडा प्यारा वो संत है एडा प्यारा वो ब्रह्म ज्ञानी है जो मर्जी कह लो ते जे एदा कह लो एडा प्यारा वो रब साधु है एडा प्यारा दुखन देखत है पर देत ना हारे कीते गुणा वेखदा भी फिर भी दातां देण लग्गिया पिछे नहीं हुंदा इहो जिहा साधु ते ओ साधु ने साडे भी सारियां दे गुणाहां ते पर्दे पा दित्ते ने इहो जिहा साधु मिलिया एक मिनट पड़ी रब वर्गा साधु मिलिया इदां ही साजां तों पैणा रब वर्गा साधु मिलिया मेरा जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया मेरा जीवन सवार गया 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 रब वर्गा साधु मिलिया मेरा जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया मेरा जीवन सवार गया प्यारे ओ हर जगह ते ओ साधु ने हुण तक पैज रखी गां भी उन्हें रखनी जे ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਹਉਮੈ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਈਗੋ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ
अरदास विच आपो अपनियां अर्जियां लाउणियां, हुक्मनामा लै के फिर सब ने जाना। उसे साधु ने पैज जिथे जिथे भी मैं जाना उत्थे रखी, बार भी अमरीका गए हैं उन्हें पैज रखी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। और एहो जी पैज रखी जो मैं पूरी बोल के नहीं गल दस सकता। जदों आउन लगे सन उत्थों, बहुत ना कमा 400-500 शरीर एहो जे सी जेड़े सरोपे लैके खड़े से, 400-500 सारियां वीडियो आ जाणगियां। एडा प्यार, हर एक दी अखां नम सी, ते हर कोई कहिंदा सी तुसीं इत्थे आए हो हुण इत्थों जाओ ना। इन्हां संगतां दे अंदर वैराग, भैणां उच्ची उच्ची रोई जाण कहिंदे 18 दिन रोज असीं 7-9 राती कीर्तन सुणन आउंदियां सां, हुण बाकी दिन असीं की करांगे। इन्ना प्यार दित्ता संगत ने, इह ते शुकराना है उस साधु दा। आखो धन बाबा दीप सिंह। सानू होर तरह नाल शुकराने करने नहीं आउंदे ते ना ही मैं सिखणे ने। मैनू ते आ जदों मैं बिना ना, मैं ते इन्ना ही कह दिना, धन बाबा दीप सिंह जी तुहाडा शुक्र है। बस जहां पे नाम तेरा आया गर्दन झुक गई अपनी, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, बस तेरा शुक्र है। जिवें हुण तक रखिया ही गां भी रखें गुरु मेहर करे आओ। आनंद साहब का पाठ करिए। थिमावां दे कारजां बारे सब नूं पता है किवें राम तीर्थ रोड ते चल रही हैं। हुण तक बांह फड़ी जे अगां भी फड़ के रखियो, मेरी ये बेनती है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी। जदों भी अमृतसर साहब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, एक वारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आ के वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इत्थे प्यारिओ दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जिहां फीसां बच्चियां कोलों लईआं जांदियां ने। इस तों इलावा इस जगह दे उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत थले हो रहे हैं। दंदां दे इलाज, अखां दे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तों इलावा बच्चियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं, स्किन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत दे थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे। और अपनियां अखां नाल आ के वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी दी रसोई चल रही, जिस रसोई दे राही तकरीबन 2500 तों वी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकदे ने। इस तों इलावा गुरु बाबा नानक जी दी चलदी फिरदी रसोई, जिस रसोई दे राही रोजाना कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ हुंदी है उस गड्डी दे राही प्रशादा पाणी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जांदा है। इस स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफिन सेवा चल रही, जिस सेवा दे राही वह बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नू बच्चियां ने घरों कढ दिता। असी जिहड़े सुणदे आ रोज़, असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती, अपने बजुर्गों नू घरों कढ दिता, प्यारे ओ खाण नू उहनां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईआं दे कोल, उहनां दे घरां दे विच दुपहर दे वेले टिफिन विच पैक करके 2 वेले का लंगर रोज़ पहुँचाया जाता है। और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारे ओ हर महीने विधवा बीबियां नू फ्री राशन देने की सेवा भी होंदी। और इस स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राही बच्चियां नू गुरमत की सिक्ख्या, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथिया, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुचा, किरदार उच्चा सुचा किवें करना, यह सारी सिक्ख्या दिती जांदी। और इस तों इलावा जो तुसी किणका किणका देंदे हो, तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट, बिल्कुल नाल ही राम तीर्थ रोड दे बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दया परवान पार्क की उसारी चल रही, TV स्क्रीन दे उत्ते सारियां वो तस्वीरां चल रही ने। ये जी दया परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नू दाणा पाउणा, खाणा पाउणा ये कम होया करेगा, उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल भी। इस जगह दे उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण
दर्शन करन गुरू रामदास जी दे घर दे, बाबा दीप सिंह जी दे घर दे, ते संगतां इत्थे आ के रिहायश करन, स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहिब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां, इस राम ही बन रही। इस तों इलावा इसे स्थान ते बाबा दीप सिंह साहिब जी दे नाम दा वड्डा गुरु घर गुरद्वारा साहिब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 to 10 हज़ार संगत दे प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल उहदी वी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, ये जिन्नी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है, और ये मेरी बेनती प्यारिओ, कोई भी प्रेमी, कईआं दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी, और इस तों इलावा जे तुहाडे मन दे दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफिन की सेवा होंदी है, दो वेले का लंगर जाता टिफिन विच पैक हो के, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तों इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम होंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा, उहदे विच कोई लंगरां की सेवा करनी चाहे, तो इस तों इलावा प्यारिओ जे तुहाडे मन दे विच आवे, इत्थे सहज पाठां दा प्रवाह भी दिने रात चलदा, तुहाडे मन च आवे कि असी खुशी दे विच कोई सहज पाठ करवाउणा है, तो सहज पाठ भी इस अस्थान ते असी जिहड़े प्रेमी ने उहनां दा करदे हां, मेरी बेनती है मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ। और जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी दा वड्डा दीवान हाल बन रहा है, मैं बेनती करदा आ रहा कि एक तेरी दी, दो तेरियां दी, पंज तेरियां दी, 1300 भावें 10 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित दित्ती है ना, ये सारे कार्ज करोड़ां दी लागत दे नाल जो बन रहे ने, ते ए उदों ही पॉसीबल ने सेवावां जदों तुसीं पूरा सहयोग दिओगे, भावें 1 तेरी, 2 तेरियां, 50 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित दित्ती, इस वेले आप जी फिर अपना दसवंध, क्योंकि कई बार असी दसवंध इहो जिहियां थावां ते भेजदे हां प्यारिओ जिथे अगे बड़े प्रबंध हुंदे ने, असलीयत दे विच दसवंध दित्ता उत्थे थाएं पैंदा जिथे सचमुच लोड़ है। अपनी अखां दे नाल आके वेखो और तुहानूं बड़ी तसल्ली होएगी जदों वेखोगे साडा दित्ता किणका किणका सही टिकाणे लग रहा है, सही जगह दे उत्ते यूज़ हो रहा है। तो ये सारिया सेवावां तुसीं टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेलां चल रही ने, इन अकाउंटां दे विच सेवा पा के आप जी स्क्रीन दे उत्ते चल रहे नंबरां दे उत्ते संपर्क कर सकते हो कि असीं इन्नी सेवा ट्रस्ट नूं पाई है तां जो तुहानूं समय सिर रसीद और सत्कार जो असीं भेज सकीए। जरूरी बेनती, विदेश दीआं संगतां, इंडिया तो बाहर दीआं संगतां, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट हेठ चल रहे इन्हां कार्जां दे विच सहयोग दसवंध देण लई इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकदियां ने जी। अपनी सेवा तुसी सानू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते, वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रहा है 9850-99513-98150-89513। मेरी बेनती, हर पल, हर घड़ी, हर एक कदम दे उत्ते तुहाडियां सीसां दी, तुहाडी बख्शीश दी लोड़ है, और मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के जदों तुसी साथ दिओगे, जिहड़ा साडा मिशन है, आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा, और जिहड़ा दूजा मिशन के घट तो घट 113 थावां दे उत्ते ये यूनिट खोलण, ये मिशन विच असी कामयाब हो जाएंगे, पर होवांगे उदों ही जदों तुसी पूरा अपने परिवारक मैंबरां दे वांग मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओगे। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर कर देना जी, तां जो ये सेवावां दे कारज निरंतरताई दे नाल जारी रह सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।